एक घंटा हो चुका है और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सर दारू पी के निकल गया और सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया। एक घंटा हो चुका है और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सर दारू पी के निकल गया और सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया और किसी को परवाह नहीं। कुछ के तो पेरेंट्स लेने आ गए और कुछ यहीं पे ही बैठे हैं। छोटे बच्चों को क्या होगा जो नर्सरी में उसमें पढ़ते हैं, और बच्चे अगर टीचर पेरेंट्स या बच्चे लेट आए तो उससे 20-30 रुपये पेनल्टी ले रहे हैं, और 50-50 रुपये अगर पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आओ तो उसकी भी पेनल्टी ले रहे हैं। जैन पब्लिक स्कूल संजय नगर। और ये सारे बच्चों को क्या बाहर निकाल दिया प्रिंसिपल? हाँ नहीं, प्रिंसिपल ने स्टाफ को बाहर निकाल दिया तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? सर दारू पी के हंगामा कर रहे हैं। तनुजा सर, एक से बच्चों का पेपर आ रहा है अभी, और इनके ऐसे छोड़ छोड़ के मैडम चल जाएगी तो फिर क्या करेंगे? बच्चों के पेपर का क्या भविष्य आगे? सारे बच्चों को बाहर निकाल दिए गए। हाँ मैडम चल गई छोड़ के तो संभालेगा कौन बच्चों को? आपका नाम? रिंकी चोरसिया। सर ये जैन पब्लिक स्कूल टीचर कॉलोनी फाई सागर रोड पर है सर। ये सर प्रॉब्लम ये है कि अभी हम घर पे बैठे हुए थे तो ये बताया कि बच्चों का किसी का फोन आया कि बच्चे सारे बाहर निकल गए हैं, मैडम सारी स्कूल छोड़ के चली गई है, वो सर भी को गया है पता नहीं सर। अब इसके अंदर हम डरते डरते वहाँ से आए, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुई है करके, ये सरासर गलत हो रहा है सर। ये हाँ ये अभी कभी कार्रवाई होनी चाहिए चीज का। हम वहाँ से डरते डरते आए, बच्चों को क्या हालत हो रहा होगा? मेरा नाम है ईश्वर खत्री। कोई बात थी जो गर्लफ्रेंड में हो गई थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने क्लास छोड़ के चले गए थे, मैं स्कूल छोड़ के चले गई थी। बच्चों के परिजन आरोप लगा रहे कि शराब पी के प्रिंसिपल ने गाली गलौज करी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, गाली गलौज भी कुछ नहीं होता, ना बदतमीजी की थी, बस यही कहा था कि आपको टाइम से आना है और जिसको टाइम से आना है नहीं आना है तो चले जाओ, तो फिर मैं चली गई थी, और कुछ नहीं था बात। टीचर भी बात छोड़ के चले गए थे। टीचर ये कह रही थी कि अगर प्रिंसिपल रुकेंगे तो हम रुकेंगे, अदरवाइज हम नहीं रुकेंगे, और कोई बात नहीं हुई। आपका नाम? मैं कविता जैन, प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे।